हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ एक नया व्लॉग स्टार्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मैं व्लॉग्स बना पा रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। एंड अभी भी मेरा ना एक व्लॉग ऑलरेडी पूरा रेडी है, बट अभी तक मैंने उसको एडिट नहीं किया है। तो आज मैं बैठ करके उसको एडिट करके उसको लाइव भी करूँगी आज की आज ही, बिकॉज अब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है मुझे टाइम मिलना थोड़ा शायद मुश्किल हो जाएगा। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, संगीत की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। विक्की फाइनली आज कन्वेंस हुआ है। कल लिटरली मैं उससे गुस्सा होकर लड़ ली थी, गुस्सा हो गई थी मैं कि इस बार अगर इसने डांस नहीं किया, इसने मेरी मासी की अभी शादी हुई थी ना तब भी यही किया था, कल करेंगे करके एक दिन दो दिन प्रैक्टिस करी और फिर एंड मोमेंट पे छुट्टी कर दी। मतलब नहीं किया इसने डांस। और वहां सब मुझसे पूछ रहे थे कि विक्की के साथ क्यों नहीं किया, विक्की के साथ क्यों नहीं किया। वैसे भांगड़े में बारात में कर लिया था, बट स्टेज वाला से नहीं किया था। तो इसमें तो करना ही करना है। एक तो इसकी टीनू की शादी में, और जो दूसरा हमारे यहाँ शादी होने वाली है ना, वो नेक्स्ट मेरी मासी का जो छोटा बेटा है सागर, उसकी शादी में। इन दोनों की शादी में तो विक्की का मैंडेटरी है डांस करना। तो मैंने सारे सॉन्ग्स वगैरह जो है वो मिक्स कर लिए हैं। टीनू का जो ग्रुप डांस हो रहा है, जो इन लोगों का भी हो रहे वाला है कपल डांस, वो सब सॉन्ग्स की मिक्सिंग हो गई है। मैंने आज जेल नेल पेंट लगाया है, जो हम लोग पार्लर्स में जाकर के नहीं जेल नेल पेंट लगवाते हैं, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब 15 डेज चलता है, 7 to 15 days, आई वुड नॉट से 15 एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा 8-10 दिन में ख़राब होने लगता है, बिकॉज यार मैं सारा काम भी कर रही होती हूँ। काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना रफ़ एंड टफ काम है, या आपका खाना बनाना पानी में बार बार हाथ लगता है आपका, तो वो जल्दी निकल जाता है। एंड अगर आप मतलब आप अगर नॉर्मली कुछ भी नहीं करते हैं तो नॉर्मल नेल पेंट भी बहुत दिन चल जाता है। वो डिपेंड करता है कि किसके हाथ में कितना दिन क्या चल जाए। मैंने पूरी किट इसलिए मंगवाई है क्योंकि जब आप एक सिटिंग करवाने के लिए जाते हैं पार्लर में, दे टेक 500 to 600 rupees चार्जेस लेते हैं वो। एंड डेफिनेटली उनकी नेल पेंट्स की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, जिस तरह की वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड भोपाल में ये लोग चार्जेस लेते हैं 1100 to 1000, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई मेट्रो सिटीज़ में इतना सस्ता है, आप लोग इतना एक्सपेंसिव क्यों चार्ज करते हैं। शी आस्क्ड मी कि मैडम यहाँ पर कम है इसलिए महंगा है। तो मैंने सोचा कि मैं पूरी किटी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी करना है, फिर टीनू को भी करना है, उनको बता देती हूँ फटाक से क्या क्या उसके लिए लगता है। इफ़ यू आर अ बिगनर तो मुझे ये तो पता है कि एक बेस कोट लगता है और एक टॉप कोट लगता है, जो कि शाइनिंग के लिए होता है। तो मैंने इस तरह के दो बेसिक पेंट्स मंगवाए हैं। है फाउंडेशन कोट, जो कि होता है बेस कोट, जिसको आपको पहले लगाना पड़ता है। आपको थोड़े से अपने नेल्स की बफिंग करनी होती है, तो यू नीड अ बफर एज वेल। तो ये OPI का बफर है, मेरे पास काफ़ी पुराना है, तो ये बफर आपको लगता है। उसके बाद आपको ये बेस कोट लगाना होता है। बेस कोट लगाने के बाद यू डेफिनेटली नीड अ UV LED लैम्प। ये नेल लैम्प है, ये देखिए इस तरीके का होता है ये। तो आपकी नेल पेंट में ऐसे मेंशन होता है, सपोज इसमें मेंशन है कि अगर मैं LED लाइट से इसको ड्राई करूंगी तो उसके लिए 30 सेकेंड मुझे यूज करना है। सो क्विकली लेट मी शो यू द प्रोसेस। यहाँ पर हमको नेल्स को सबसे पहले बफ करना होता है, मतलब जो ऊपर की फर्स्ट लेयर होती है उसको रिमूव करना होता है, सर्फेस को थोड़ा हार्श करना होता है, बफिंग करनी होती है। हिंदी में बोलूँ तो एकदम खुरदुरा सा करना होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम ये फाउंडेशन बेस लगाएंगे। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैंने यहां पर पूरे अपने जो नेल्स हैं उनको बफ कर लिया है और अब मैं फाउंडेशन बेस लगा रही हूं। ये बेस लगाने के बाद मैं अपना जो हाथ है, ये जो UV LED लैंप है, इसके अंदर फॉर 30 सेकेंड्स के लिए रखूंगी। टाइमर सेट करने के बाद आपको अपना हाथ इसके अंदर रखना होता है एंड ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइट बंद हो जाती है जैसे ही इसका टाइम ऑफ हो जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे जो मेन नेल पेंट का कोट है वो, तो आप दो कोट भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ सिंगल कोट लगा रही हूँ। इसको हम रखेंगे फॉर 60 सेकेंड्स लैम्प के अंदर और उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस आएगा वो आएगा इसका जो शाइनी कोट है वो। तो शाइनी जो कोट है उससे आपकी जो नेल पेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत शाइनी लगती है उससे। तो वो हम लगाएंगे एंड हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे ऑलमोस्ट 7 days हो गए इसको लगाए हुए, देखती हूँ मैं कितने दिन ये लास्ट करता है, मैं रिव्यू ज़रूर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो वो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है वो मंगवाई है ये द मॉम्सको का नेचुरल सेंसिटिव स्किन लोशन। तो इफ़ यू आर समवन जो कितना भी लोशन लगाता है लेकिन उसको हमेशा अपनी स्किन ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, आई वुड यू नो इंसिस्ट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज़ एन अमेजिंग लोशन। मतलब अमेजिंग,
मैं लगाती हूँ, विक्की भी इसको लगाता है, मतलब हम लोग इसी को लगाते हैं। आपको सिर्फ शार लेके आने के बाद इसको थोड़ा सा लगाना होता है एंड देन आप बिल्कुल गुड टू गो। आपको फिर आपको रात तक आपकी स्किन एकदम ऐसे ड्राई ड्राई नहीं लगेगी, इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये। एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर सेंसिटिव एज वेल, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी इसकी फ्रेग्रेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है वो मंगवाया है ये इस तरीके का गजरा। तो अभी तक मैंने सोचा तो है कि मैं एक लुक शायद से बन बनाने का सोचूंगी, बट आई डोंट नो, मतलब I'm not sure। प्लेन व्हाइट कलर का था ये, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इसमें छोटे छोटे से देखिए गोल्डन कलर के पर्ल्स भी लगे हुए हैं, ये देखिए इसमें छोटे छोटे ये भी लगे हुए हैं। तो ये मैंने मंगवाया है गजरा बालों में लगाने के लिए, मतलब बन वन में लगाने के लिए। इट्स वेरी प्रिटी, बन वगैरह में लगाने के लिए इट विल लुक, बन वगैरह में लगाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये द बॉडी शॉप का मोरिंगा EDT परफ्यूम। उसके बाद मैंने ये द बॉडी शॉप का मोरिंगा परफ्यूम मंगवाया, तो मैंने ये छोटा तब मंगवाया था जब मैं दिल्ली जाने वाली थी। हाँ, उसके बाद और एक और मैंने चोकर मंगवाया है, तो मैं आपको बताती हूँ। प्रिटी लग रहा है आजकल, चोकर का बहुत ज्यादा फैशन है, तो आप यू नो रेड कलर में इसको पहन सकते हैं कॉन्ट्रास्ट करके। वो भी मंगवाया है, शी इज नॉट गोइंग टू वेयर पेटीकोट, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल वाले पेटीकोट्स होते हैं ना वो नहीं लिए हैं। उसको मैंने अपना जो साड़ी शेपियर है वो दिखाया था और उसने वो ट्राई करके भी देखा है, उसको वो बहुत पसंद आया, तो वो वही पहनेगी। इतने अलग अलग 5-6 अलग अलग कलर्स के पेटीकोट लेने से बेटर है कि वो जो साड़ी शेपियर है वो वही कैरी करेगी। तो वो भी हमने अमेजन से ही मंगवाया, बिकॉज अमेजन की डिलीवरी काफी जल्दी हो जाती है, 2 से 3-4 दिन में आ जाता है। 2 दिन में ही आ गया था। डेज में हमारे सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ जो हमारे गेस्ट हैं वो घर में आएंगे, ऑब्वियसली जो रिलेटिव्स होते हैं, जो क्लोज वाले फैमिली वाले होते हैं वो। एंड उसके बाद जो बाकी का पूरा फंक्शन होगा वो वेन्यू में होगा। हम सब लोग पूरा सामान बोरिया बिस्तर उठा करके वेन्यू में चले जाएंगे। सारे वीडियोज बनेंगे, हर एक इवेंट के मैं वीडियोज बनाने वाली हूँ, तो सब कुछ आएगा। बट इट माइट पॉसिबल कि थोड़ा डिले होके आए, बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो शुरू मतलब उसके बाद, क्योंकि हम जैसी शादी होगी 2 डेज का ब्रेक है, हम अगेन रिसेप्शन के लिए तीनों के जो इन-लॉज जहां पर वो जा रही है वहां चले जाएंगे सब लोग, वहां हम 3 दिन रुकने वाले हैं। मतलब ऐसा लंबा प्रोसेस है, तो आई डोंट नो और आई एम नॉट श्योर कि मैं वीडियोस वो पोस्ट कब करूंगी। करूंगी सब पोस्ट, सब बनने वाला है, बहुत सारा डिटेल वीडियो बनेगा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। मतलब मैं भी लिटरली सॉन्ग सुन रही थी ना, तो तीनों के लिए मैं इतने एक्साइटेड हो रही थी, वाह यार ये मजा आ जाएगा। मतलब बहुत सारा फन वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम करने वाले हैं कुछ वेडिंग DIY। ये घड़े हैं मेरे पास जो कि शादियों में लगते हैं, यूज होते हैं, तो इस तरीके के जो घड़े हैं उनको मैं फटाफट से अभी डेकोरेट करती हूँ। मैं कुछ कलर वलर्स लेकर के आई हूँ, तो लेट्स सी जो मेरे पास प्रेजेंट है सामान उसी से ही मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। तो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी मैंने क्या प्लान किया है कि मैं इनके ऊपर पेंट करूँगी, लेट्स सी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। सबसे पहले तो वो चेक करना पड़ेगा कि पेंट जो है वो इसके ऊपर आई थिंक चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, आई रियली डोंट नो। तो लेट्स सी, फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ और दूसरा मैं वॉल पेंट यूज़ कर रही हूँ, तो वही करके देखते हैं पहले। तो जो वॉल पेंट मैंने अपने वॉल्स पे यूज़ किया था येलो एंड ऑरेंज कलर का, मैंने उनको मिक्स कर दिया है और उन्हीं को मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, तो बहुत इजीली चढ़ गया था। अब मुझे इतना तो पता है कि जब हम इसको क्लीन करेंगे, मतलब अच्छे से जो स्क्रबर होता है ना उसकी हेल्प से क्लीन करेंगे, तो ये क्लीन भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑयल पेंट, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने घड़ों में पेंट कर दिया है और जो पुरानी तरीके से डेकोरेटेड थे उसको मैंने विक्की को बोला इनको निकाल दो। एंड मैं कुछ भी सामान लेके नहीं आई हूँ, जो सामान मेरे पास प्रेजेंट था मैंने पूरा डेकोरेट उसी से कर दिया था। फाइनल रिजल्ट पे मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बड़े खुश हो गए थे देख करके कि
watching you breathe in your sleep. I'm thinking you mean so much to me. Sometimes it feels like it's over. Sometimes it feels like you're over me. ओके तो ये जो घड़े हैं इनमें मस्त तरीके से पेंट हो गया है और अब हम जा रहे हैं इनको छत पे रखने. तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास पुरानी लेसेस पड़ी हुई थी उन्हीं को हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ. और बहुत खतरनाक वाला डेकोरेशन नहीं कर रही, सिंपल सा ही कर रही हूँ. जितना सामान मेरे पास प्रेजेंट है मैं बस यही सोच रही हूँ कि बस एक जैसा सब हो जाए, कुछ कम ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ कम पड़ेगा तो फिर मुझे लेके आना पड़ेगा एंड सेम लेस पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट करा है. इसका मैं फाइनल रिजल्ट आपको बस फटाक से बताती हूँ जैसे ये कम्प्लीट हो जाएगा. हेलो एंड वेलकम गाइस टू रुचि स्टाइल कॉर्नर. ये रही रुचि और ये अपने कॉर्नर पर बैठी हुई है. बज चुके हैं 12 कहाँ से. और ठीक है, नाउ हमारी एनिवर्सरी स्टार्ट होती है. सो हैप्पी एनिवर्सरी. हैप्पी एनिवर्सरी ना. तो 12 बजे का केक है. काय की एनिवर्सरी में तो फीलिंग भी नहीं आ रही इस बार एनिवर्सरी. मैं केक इसलिए नहीं लाया क्योंकि अपन खाते नहीं. तो पहनने पर भी बेचते ले. हां नहीं बनाऊंगा. हैं ये नहीं भूखेंगे. डर मैं जी कैंडल से कल तो तूने एक ही मार्केट से डाले ने पट्टी कैंडल दे दी. मैं वरी नहीं भूखेंगे. लगाओगी क्या? हाँ गई, बुझ गई. आज 23rd November. सो 23rd November को होती है हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी. मैं सोच रही थी सुबह से ब्लॉग करने का बट नहीं कर पाई ब्लॉग कल. वो तो थैंकफुली विक्की ने रात में स्टार्ट कर दिया था. क्योंकि आज भी हम लोग जो हमारा वेन्यू है, संगीत में स्टेज कैसा होना है, बैकग्राउंड क्या चाहिए, हल्दी में क्या होना है, ये क्या होना है, वो क्या होना है, उसमें हम लोग निकल गए थे दिन में. और उसके बाद अपन सुबह मंदिर गए, फिर हम वहाँ चले गए, फिर हमारा कहीं और जाने का प्रोग्राम, फिर हम नेटफ्लिक्स देख लेंगे क्योंकि मैं इतना थक गई थी. मैंने बोला यार इतना एग्जर्ट नहीं कर सकती मैं अपने आप को. फिर शाम को टीनू और मैं चले गए बुटीक पे, फिर वहाँ से आए, फिर हम मेरे यहाँ जो आंटी काम करने के लिए आती है हम उनको लेकर के आए क्योंकि हमको रोटी वगैरह बनवानी थी. हमारे यहाँ जिसको हमने लगवाया है शादी में खाने के लिए वो आज अवेलेबल नहीं थी, उनको लेने के लिए गए. फिर उसके बाद खाना वाना खाया, फिर उनको छोड़ने के लिए गए, फिर थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया. नाउ फाइनली आई गॉट सम टाइम. तो हालांकि जो सेलिब्रेशन हो रहा था उस टाइम पे मैंने कुछ रिकॉर्ड तो कर लिया था, उसकी क्लिपिंग मैं भी यहाँ पर डाल देती हूँ, तो वो आप इंजॉय करिए. और जैसे मोबाइल है तो ज़्यादा हो गया. हाँ, पहले क्या पत्र के द्वारा भी कहाँ करते थे. आ गए तो आ गए. आप करो ना, आप करो, आप करो, आप करो. आ गए तो क्या कंफ्यूज नहीं कर रहा है. कब करो. अब
वैसे साड़ी अच्छी लग रही है। वन टू थ्री गो शादी करवा रहे तुम दोनों बाबरे अभी पहने रहना बहुत ये अच्छी लग रही माला तुम लोगों के ऊपर। विकी ने निकाली थी। विकी तूने निकाल क्यों दी यार? ऐसा ही मीठा मीठा प्यार बना रहे हैं दोनों। हो जाएगा साहब। नहीं ये पापा के मन की बात है। तो मैंने YouTube पे कहीं पे भी डाला नहीं कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। दो Instagram पे बहुत सारे विशेज आए क्योंकि मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया था। तो अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो नहीं करते ना तो मेक श्योर कि आप फॉलो करें, बिकॉज शादी के सबसे पहले अपडेट्स Instagram पर ही मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो एडिट करने में तो टाइम लगेगा। उस बीच में एक और आज वो हो गया था, मेरे पास एक ब्रांड का कॉल आया एंड सुन लिया था वो आपने? हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग। सीरियसली मतलब विक्की तो मुझे बोल रहा है ब्रांड का नाम ले लूँ मैं, बट मैं नहीं लेते यार, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने मुझे बकायदा पहले तो बोला कि आप मेरे कॉल्स पिक नहीं कर रही हैं, मैं ये आपने मैंने आपको एडवांस पेमेंट दे दिया है, आपको पता है मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती हूँ। वो तो मैं लूँगी ही लूँगी, लेकिन आप मुझे वीडियो नहीं, पता नहीं उसने इतना अनाप शनाप अनाप शनाप, और मैं सुन रही हूँ दो मिनट के लिए। मेरे को पहले तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या बोल रही है। मैंने इस ब्रांड के साथ 2 साल पहले काम किया, ये कोई नई बंदी है क्या? मैं वो नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है आप मेरे को सारी चैट पहले तो भेजो, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने आपको ऐसा कुछ भी बोला है। एडवांस पेमेंट मैंने किसी से ले ली और उसका काम करके नहीं दिया, इस तरीके से मैं काम ही नहीं करती हूँ। मैं अगर करती भी हूँ मतलब मेरा ये पैटर्न ही नहीं है इस तरीके से काम करने का कि फुल एडवांस पेमेंट ले लूँ। वो डांट के और बहुत रूडली बोल रही थी। उसके बाद विद इन 5 मिनट्स उसका मेरे पास कॉल आया। जब मैंने उसको बोला मुझे सारा प्रूफ दो, दैन शी खुद से उसने बोला सॉरी वगैरह बोला है। मैंने कहा भाई यू शुड बी, एक तो तुम इतनी बदतमीजी से मेरे से बात कर रही हो, ठीक है तुम्हें प्रॉपर पता ही नहीं है कि क्या है कि कौन रुचि को, कोई और रुचि थी यूट्यूबर उसको, उसके साथ ये सिनेरियो जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता, बट वो मेरे को समझ बैठी थी क्योंकि हम दोनों के नाम सेम है। तो बोलती है मिसकम्युनिकेशन। मैंने कहा यार आप किसी को इस तरीके से धमकी दे रहे हो, लीगल एक्शन ये वो फलाना ढिमकाना। फिर हालांकि उसने काफ़ी ज़्यादा सॉरी वॉरी बोला, तो मैंने बोला ठीक है यार इट्स ओके, बट आप फिर भी इतना स्ट्रिक्ट किसी को कॉल कर रहे हो तो यू शुड डबल क्रॉस चेक यार, आप ऐसे कैसे मतलब मेरे यहाँ शादी, आप तो मेरे हवाइयाँ उड़ा दिए थे 2 मिनट के लिए। तो फिर हालांकि वो सॉर्ट आउट हो गया। तो बस यही था आज का दिन, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा था। एंड थैंक यू सो मच जिन भी लोगों जिसने भी हम लोगों को वेडिंग एनिवर्सरी के लिए इतने प्यारे प्यारे विशेस दिए हैं। आज का दिन मैं यही ख़त्म करती हूँ। और गिफ्ट क्या मिला है मुझे विक्की से, बहुत अच्छी चीज़ मुझे गिफ्ट में तो मिली है, बट वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूँगी, जब टाइम आएगा तब डिस्क्लोज करूँगी। डेफिनेटली आई एम नॉट प्रेगनेंट, तो वो अजम्पशंस मत करिएगा आप लोग। बट हाँ जो गिफ्ट मिला है वो जब टाइम आएगा तब विक्की खुद वीडियो में आप लोगों को बताएगा। विक्की नहीं बताएगा, हम दोनों बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो यस भाई माता टाइप बना दिया है मुझे। ओके तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।